हेलो दोस्तों, श्री मुर्मू में आपका स्वागत है। हम लोग आरपीएफ का मॉक टेस्ट देखेंगे और इसमें देखेंगे कि जो जो क्वेश्चन आ रहा है पिछले एग्जाम जो देखा जाए उसका रिव्यू किया जाए। सो उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ और ये अगर आप 50 खतरनाक क्वेश्चन कर लेते हैं तो पक्का आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आने वाला ही है। ऐसे कर कर हम लोग एक दो दिन बीच कर डेली मॉक टेस्ट देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि कौन खरीफ फसल नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। तो कौन खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ ऑप्शन ये नहीं था पर ये क्वेश्चन आ चुका है कि खरीफ फसल इनमें से कौन नहीं है। तो जो बरसीम होगा वो खरीफ फसल नहीं है, ये चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। देखिए महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन रहा, जो महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन की शुरुआत की गई थी वो आंदोलन कब किया गया था, या गांधी जी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह भी बोला जाता है उससे किस आंदोलन को बोला जाता है। तो वो 1917 के आंदोलन, चंपारण के आंदोलन जो बिहार में हुआ था उसे बोला जाता है, जो कि नील के विरोध, जो नील उत्पादन कराया जा रहा था अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती तिनकटिया व्यवस्था लागू कर उसके विरोध में किया गया था। तो 1917 हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टेक्नीशियन देखिएगा और ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। शाहनामा के रचनाकार क्या है, बाबरनामा, शाहनामा, हुमायूं नामा, ये सब जो है इसके रचनाकार पूछ देते हैं। तो पूछ रहा है शाहनामा के रचनाकार कौन है, तो तीसरा के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शाहनामा के रचनाकार कौन है, तो फिरदौसी है, ठीक। अब पूछता है कभी कभी कि बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था, तो जो बाबरनामा लिखा गया था, नामा मीन्स जो भी बाबरनामा, अकबरनामा, जो नामा अंतिम में आ जाता है उसे तुर्की भाषा में जीवनी बोला जाता है। नामा को तुर्की भाषा में जीवनी बोला जाता है और वो बाबर की जीवनी थी और वो तुर्क भाषा में लिखा गया था। तो इसमें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। तो वैसे कर वो टेक्नीशियन में रिपीटेड क्वेश्चन था और ग्रुप डी में भी। कादंबरी के लेखक कौन है, जो कादंबरी पुस्तक है उसका लेखक पूछ रहा है कौन है, तो जो कादंबरी के पुस्तक के लेखक हैं वो बाण भट्ट है, याद रखिएगा बाण भट्ट है। और जो बाबर थे वो मुगल वंश के संस्थापक थे, पानीपत के युद्ध इनके और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, ये भी याद रखिएगा कब, तो 1526 में हुआ था। और लास्ट मुगल वंश के शासक कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी बोला जाता है क्योंकि वो छुप छुप कर कविता लिखा करते थे। स्वर प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है, तो स्वर प्राचीन विधि ग्रंथ माना जाता है मनुस्मृति को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, मनुस्मृति को सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर छठा है कि गुप्त संवत प्रारंभ हुआ, जब गुप्त संवत प्रारंभ हुआ कब प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर आपको सिक्स का आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं कि गुप्त संवत जब चंद्रगुप्त गुप्त वाला वो 319 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू किया गया। इस प्रकार 78 ईस्वी में शुरू किए गए शक संवत से गुप्त संवत के बीच की कितना अंतर पड़ जाता है, तो 241। ये भी कभी कभी पूछ देता है ये क्वेश्चन, लेकिन ये एसआई में क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, ठीक। तो पूछ सकता है कि इसमें डायरेक्ट पूछ रहा है कि कब स्टार्ट किया गया था गुप्त, तो 319 ईस्वी पूर्व। और आपको अगर पूछता है कि शक संवत कब स्टार्ट किया गया था, तो आपको लगा सकते हैं कि जो शक संवत था वो 78 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक। आइए 319 ईस्वी में गुप्त। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संबंधित है, जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो गोपाल किस गोखले से संबंधित है। तो सभी का आंसर क्या हो जाएगा, गोखले जी, ठीक, गोपाल किस गोखले। हमको कमेंट बॉक्स में आपको याद है तो ये बताइए कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे ये मुझे आप बताइए, ठीक। जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, टेम्पल है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो देखिए नहीं, यहाँ पर क्या दे रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीनाक्षी मंदिर स्थित है तमिलनाडु के मुदैरी में स्थित है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो एट का आंसर क्या हो जाएगा, एट का आंसर आप आसानी से ए लगा सकते हैं, ठीक। और ये मंदिर बहुत ही विशाल मंदिर है वहां के, तमिलनाडु के, बार बार आता है क्वेश्चन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि खड़ी बोली का आविष्कारक कौन है, जो खड़ी बोली का आविष्कारक माना जाता है उसमें अमीर खुसरू को माना जाता है, और तबला का भी बहुत बड़ा तबला वादक थे अमीर खुसरू, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो खड़ी बोली का आविष्कारक कौन है, तो अमीर खुसरू। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको 9 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हनुज दिल्ली दुरस्त किसने कहा था, हनुज दिल्ली माने अभी दिल्ली दूर है, माने हनुज दिल्ली दुरस्त किसने कहा था, तो ये डायरेक्ट कहा गया था निजामुद्दीन औलिया द्वारा, निजामुद्दीन औलिया, ठीक। गुप्त वंश के संस्थापक थे, तो गुप्त वंश के संस्थापक पूछ देता है, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त और फिर दिया है समुद्रगुप्त। इसमें आंसर आप लगाइएगा श्रीगुप्त। तुलंका पियम ग्रंथि संबंधित है, तो जो तुलंका पियम ग्रंथि है वो किससे संबंधित है? ये तमिल ग्रंथि है, ठीक। तो ये पूछ रहा है तुलंका पियम ग्रंथि किससे संबंधित है, तो 12 से 12 का आंसर आप लगा दीजिए कि एक संगम, जो संगम वंश था ना उससे रिलेटेड है, ठीक। और ये जो ग्रंथि है वो व्याकरण भाषा से संबंधित है, ठीक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये व्याकरण भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था, और उसके बाद ही 1861 में एक्ट आया, 1858 में भी एक्ट आया था, तो 1800 तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप आसानी से लगा सकते हैं, सी। और उससे पहले लॉर्ड डलहौजी था, जिसके काल में डाक व्यवस्था या सबसे प्रथम रेल व्यवस्था भी शुरुआत किया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के काल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ये क्वेश्चन दे रहा है 14 का आंसर क्या हो जाएगा, किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे? आप इतिहास में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो यहाँ पर दे रहा है फारसी दे रहा है, या अरबी दे रहा है, उर्दू दे रहा है, हिंदी, ये दोनों तो कट जाएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अरबी होगा या फारसी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है आरपीएफ में, कोई एग्जाम दिया होगा तो उसको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा है वो कौन थी। देखिए मैं आपको इसमें नहीं दूंगा, और एक आप और क्वेश्चन बताइएगा कि मुगल का दरबारी भाषा क्या था, ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है आरपीएफ में, ठीक। तो आप अगर क्वेश्चन देखते होंगे तो आप पता लगा लेंगे। क्वेश्चन देखिए, इसमें रिलेट करना है, मिलान करना है, कौन किससे संबंधित है, तो एपी कल्चर दिया है, सेरी कल्चर दिया है, पीसी कल्चर दिया है, अविटी कल्चर दिया है। तो आप आसानी से इसे लगा सकते हैं कि एपी कल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी का पालन होता है, ठीक। सेरी कल्चर में रेशम का उत्पादन होता है, पीसी कल्चर में मत्स्य उत्पादन होता है, अविटी कल्चर में अंगूर उत्पादन होता है। तो ऐसे कर आप आसानी से इसे लगा लीजिएगा, आप खुद ही लगा लीजिएगा, जैसे कि एपी कल्चर में कहा गया शहद का उत्पादन, यहाँ ए का 2 हो जाएगा, और सेरी कल्चर में आपको रेशम का, पीसी कल्चर में आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मत्स्य उत्पादन, और वेटी कल्चर में अंगूर उत्पादन, तो ये लगा लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 17 कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ देता है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो जो दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो अनाई मोदी है। कौन है? अनाई मोदी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? तो काराकोरम की हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पर दे दिया है आपको काराकोरम का, ऑप्शन में ए में दे रहा है कि K2, और ऑप्शन बी में दे रहा है कि कृष्णगिरी, और सागरमाथा दिया है, और राकापेसी दिया है। तो 18 के आंसर आप क्या लगाइएगा, तो आप आसानी से 18 के आंसर लगा दीजिएगा कि ये काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है कृष्णागिरी, ठीक। और काराकोरम K2 जो उसका सबसे सर्वोच्च शिखर है काराकोरम का, ठीक, ये भी याद रखिएगा। टिहरी बांध किस राज्य में है? जो टिहरी बांध स्थित है वो किस राज्य में है? तो सबसे पहले तो आपको याद रहना चाहिए कि टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर है, ठीक। और उसके बाद पूछता है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन दे देता है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं कि ये उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड में है तो ये किस नदी पर होगा? तो ये जो नदी है वो भागीरथी है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ये क्वेश्चन तो मैं बार बार कराता हूँ, ये जो गढ़सुप्पा जलप्रपात है सरावती नदी पर स्थित है, ठीक। धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर है, ठीक। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, और जो गढ़सुप्पा जो जलप्रपात है वो सरावती नदी पर है, ठीक। ये भी याद रखिएगा, तो 20 का आंसर सी हो जाएगा। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितनी देर में आती है? तो सूर्य की किरणें, और आपको इसमें और एक बात बता दूँ कि जो सबसे जलप्रपात है वो जो गढ़सुप्पा जलप्रपात, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक, कर्नाटक में स्थित है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है कितनी देर में? तो सूर्य की किरणें लगभग 8 मिनट और कुछ सेकंड लगा देती है, 8 मिनट 20 सेकंड के करीब लगा देती है। तो इसमें आंसर क्या होगा, आप रफली आंसर इसमें क्या लगाइएगा, सी लगाइएगा, ठीक। 21 का आंसर आप आसानी से सी लगा लीजिएगा। संसार की सबसे गहरी झील कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार की सबसे गहरी झील कौन है? तो संसार की सबसे गहरी झील में आता है बैकाल झील, याद रखिएगा, संसार की सबसे गहरी झील में आता है बैकाल झील। और सबसे बड़ा झील अगर पूछता है तो वो कौन है, कैस्पियन सागर, या कैस्पियन सागर या झील भी उसे बोला जाता है। और अगर पूछता है कि सबसे बड़ी
खारे पानी के कौन से झील है, तो वो भी कैस्पियन सागर ही झील होगा। और अगर पूछता है कि मीठे पानी के सबसे बड़ी झील कौन है विश्व विश्व में हम बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा सुपीरियर, याद रखिएगा। ठीक, दिल्ली शहर के किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो दिल्ली शहर है ना वो किस नदी के किनारे स्थित है, सब लोग जानते हैं ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और पटना किस नदी के किनारे, गंगा। वाराणसी किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति है, तो जो झूम कृषि करती है ना वो मुख्यतः मेघालय के क्षेत्र में, असम वाला पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उसमें तीन जनजाति मुख्यतः आता है, गारो खासी जयंतिया जो कि मेघालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और वो तीन पहाड़ी का भी नाम है मेघालय में, गारो खासी जयंतिया। और उसी से जब मानसून आता है तो टकरा कर सबसे ज्यादा विश्व में मेघालय में मानसीराम और चेरापूंजी में बारिश होता है। तो जो गारो है, यहाँ पर गारो रहता है या खासी या जयंतिया, तीनों में से कोई भी ऑप्शन रहता है, तो ज्यादातर गारो खासी जयंतिया झूम कृषि करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप आसानी से लगा सकते हैं, बी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि झारखंड पृथक राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो झारखंड का पृथक राज्य का निर्माण बिहार से कटकर हुआ था, और ये 2000 में हुआ था, और इस बार के बीपीएससी का भी क्वेश्चन ये था। ठीक, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह है, तो पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे बोला जाता है, या भोर का तारा, या शाम के तारा, या सबसे चमकीला ग्रह, या सबसे गर्म ग्रह बोला जाता है इसे। ठीक, सौंदर्य का देवता भी बोला जाता है इसे। इस किस ग्रह को कहा जाता है, तो ओवरऑल इसे शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ठीक, और सबसे बड़ा ग्रह कौन है आपको सौरमंडल में, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है, और सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, बुध ही है, ये भी याद रखिएगा। सबसे कम समय में ये सूरज की परिक्रमा भी लगा लेता है। अब यहाँ पर एक बात और, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है 2006 में, इसे बौना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये कल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक, याद रखिएगा कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बांग्लादेश की सीमा मिलने वाला राज्य है, बांग्लादेश की सीमा जो है वो किस राज्य से मिलता है, ये क्वेश्चन नंबर है। तो 27 का आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं, बांग्लादेश का सिर्फ जो बांग्लादेश का सीमा है वो मुख्यतः जो त्रिपुरा आप जानते होंगे, जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा तीन तरह से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 का ए हो जाएगा। कोई विधेयक को धन विधेयक होने के अंतिम निर्णय कौन देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई विधेयक को अगर धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, तो आप इसमें लगा सकते हैं ये कौन देता है, लोकसभा के अध्यक्ष ही ये अंतिम निर्णय देते हैं। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो सुमित्रा महाजन है, याद रखिएगा। और राज्यसभा के अगर पूछ सकता है सभापति कौन है, ठीक, याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, जो कि अभी वेंकैया नायडू है, याद रखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे न्यूनतम आयु क्या है, तो प्रधानमंत्री या तो राज्यसभा से भी अगर सदस्य है वो भी बन सकता है, और लोकसभा से भी बन सकता है। और लोकसभा के से बनने के लिए सबसे कम आयु चाहिए तो 25 वर्ष चाहिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। तो इसमें पूछ रहा है सबसे न्यूनतम आयु, तो लोकसभा के सदस्य ज्यादातर प्रधानमंत्री बनते हैं, ये नहीं कि राज्यसभा के नहीं बन सकते, राज्यसभा के भी बन सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन लोकसभा से शुरुआत करते, बहुत ज्यादा लोग लोकसभा से ही बनते हैं, और ऐसा नहीं है कि कोई भी सभा में होना चाहिए, किसी का भी सदस्य होना चाहिए। ठीक, तो ये 25 हो जाएगा न्यूनतम में, यहाँ पर 25 हो जाएगा। और राज्यसभा का पूछ सकता है लोकसभा के न्यूनतम आयु कितना है, तो 25, और राज्यसभा का 30 है, याद रखिएगा। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा, देखिए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, जिसमें राज्यसभा उच्च सदन बोला जाता है, और इसे अस्थायी सदन भी बोला जाता है, और इसके सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक, और इसके जो सदस्य होते हैं ना वो 2 वर्ष पर अपना जो है इसके जो क्या बोलते हैं आपको, अगर इसमें देखते हैं तो 2 वर्ष पर इस पर 1/3 सदस्य जो है वो अपना सीट बदल देते हैं, मतलब कि जो 1/3 सदस्य रिटायर होंगे वो 2-2 वर्ष पर होते जाते हैं। तो ऐसे कर पर ये अस्थायी सदन बना रहता है। तो इनका कार्यकाल कितने होता है, 6 वर्ष का, अगर लोकसभा का पूछे तो 5 वर्ष का होता है। ठीक, अगर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा कर दे कि किस किस सभा का विघटन नहीं होता है, संसद के किस भाग का, तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन आ ही गया, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, बार बार ये क्वेश्चन दोनों आ जाता है। तो 31 का आंसर आप क्या लगाइएगा, तो 31 का आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं, संसद द्वारा होता है, इसमें विधानसभा भाग नहीं लेता है। और अगर आपको पूछे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, तो उसमें विधानसभा भी भाग लेते हैं जो अलग अलग राज्यों में है, लोकसभा भी भाग लेते हैं और राज्यसभा भाग लेते हैं। और सबके जो मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते, सबके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं, जैसे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, राज्यसभा में 12, और एक एक जो होते हैं विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन का मनोनीत किया जाता है वो नहीं भाग लेते हैं। ठीक, वो इसमें भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति में, याद रखिएगा। ठीक, निर्वाचन में, लेकिन अगर राष्ट्रपति को हटाया जाता है महाभियोग लगाकर, तो उसमें जो है उसमें संसद के 2 ही सदन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक,
तो ऐसा कर कर इसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि कौन किसके द्वारा होता है, तो संसद द्वारा होता है, इसमें विधानसभा भाग नहीं लिया जाता है। और दो केंद्र शासित राज्य है जहां पर विधानसभा है वो दिल्ली और पांडुचेरी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। मैंने ऊपर ही क्वेश्चन आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं, राज्य के विधानसभा और दिल्ली और पांडिचेरी का भी विधानसभा, दो केंद्र शासित राज्य है वो, और लोकसभा और राज्यसभा। विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 7 विधान परिषद है अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी है आपको, ठीक, जम्मू कश्मीर में भी मिलता है, महाराष्ट्र में भी मिलता है, तो वो विधान परिषद इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक, विधान परिषद सब राज्यों में नहीं पाया जाता है, विधानसभा ही सभी राज्यों में पाया जाता है। ठीक, तो 32 का आंसर डी हो जाएगा। राज्यसभा में नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो जो राज्यसभा में नामांकित प्रथम अभिनेत्री थी वो नरगिस थी, नरगिस दत्त थी, बी हो जाएगा इसका आंसर। बच्चों को कारखाना में बालक प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है, तो जो बच्चों को बालक श्रम जो प्रवेश निषेध किया गया है कारखाना में, वो किया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, ये एक मौलिक अधिकार है। संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं अभी फिलहाल, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी 6 मौलिक अधिकार है, और 6 मौलिक अधिकार में समता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार एक आता है। ठीक, आपको जैसे कि बालक श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में लगाना, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाता है। धार्मिक अधिकार आ जाते हैं, अल्पसंख्यक अधिकार आ जाते हैं, ठीक, और संविधानिक उपचारों के अधिकार आ जाते हैं, जो आर्टिकल 32 में आता है संविधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान का आत्मा भी बोला जाता है। ठीक, इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि बालक श्रम का निषेध किस आर्टिकल के तहत किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, आप लगा लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन रिपीट करेगा ही करेगा। ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बालक श्रम, जिसके विशेष उन पर बल देकर नहीं करवाया जाएगा, और एक होता है बालक श्रम, यहाँ पर बालक प्रवेश दे रहा है, शर्म नहीं, माफ कीजिएगा, यहाँ पर बालक प्रवेश निषेध दिया है। ठीक, मैंने ये यहाँ बालक श्रम पढ़ लिया, अगर यहाँ पर बालक श्रम दिया रहता तो आर्टिकल 23 के तहत कराया जाता है, जैसे कि बंधुआ मजदूर नहीं हुए, बहुत लोग क्या करते हैं कि मजदूरी कराते हैं और पैसा भी नहीं देते, दिहाड़ी भी नहीं देते, और बहुत सालों तक कराते रहते हैं, उसे बालक श्रम बोला जाता है, बल द्वारा श्रम कराया गया, वो आर्टिकल 23 के तहत निषेध है। और आर्टिकल 24 के तहत क्या निषेध है कि बच्चों से 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाना में काम नहीं कराना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 के भारत के संविधान में किसने अंगीकृत किया, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया था, अंगीकृत किसने किया था, तो भारत के जनता ने। ठीक, जनता ने पहले संविधान सभा का वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा ही, पर जनता ने अंगीकृत किया था, यहाँ पर देखिए। ठीक, आंसर ए हो जाएगा, नहीं देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने क्या किया था, तो अंगीकृत किया था। संविधान को किसने अंगीकृत करने का मतलब आप समझ रहे हैं पूरा, तो अंगीकृत करने का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि किसने संविधान सभा, संविधान को किसने बनाया था, फिर इसको कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था, लेकिन 26 नवंबर 1950 को अब जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें दिया किया गया है अंगीकृत अभिनियमित किया गया था, वो कब किया गया था, 26 जनवरी 1949 को किया गया था प्रथम बार, और पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसमें जो दे रहा है कि अंगीकृत किया गया है वो किसके द्वारा, तो भारतीय की जनता द्वारा किया गया है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि राज्यों में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग किया जाता है, यहाँ राज्यों में संवैधानिक विफलता, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन भी बोला जाता है। ठीक, जो राज्य में लगता है, अलग अलग राज्यों में गिना जाता है, बहुत बार शासन लग चुका है, और ये आर्टिकल 356 के तहत लगता है। ठीक, तो ये हो जाएगा बी, और जो ये लगाया जाता है ये राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात की घोषणा कर सकते हैं, एक तो राष्ट्रीय आपात जो भारत के विशेष क्षेत्र या पूरे भारत में लागू हो सकते हैं, इसका 3 बार अभी तक राष्ट्रीय आपात लागू हो चुका है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। एक होता है राष्ट्रपति शासन जो कि अलग अलग राज्यों में या संवैधानिक विफलता के कारण लागू होता है, एक होता है वित्तीय आपात जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लागू हुआ है। तो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352, ठीक, इसके 4 आर्टिकल के बाद 356 में क्या आ जाता है, राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक विफलता राज्य का, और फिर क्या आता है आर्टिकल 360 में आ जाता है क्या, तो ये वित्तीय आपात आता है। और एक और आर्टिकल याद रखिएगा न्यूज में है, आर्टिकल 370 विशेष राज्य का दर्जा देता है किसको, तो आपको जम्मू कश्मीर को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना वो किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये सब लोग जानता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, और अगर सर्वोच्च न्यायालय बोला तो उसको भी वही करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है, देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया, तो ये 5 साल का होता है लोकसभा का, राज्यसभा का कितना, तो 6 साल का होता है। ठीक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सब के कितना, तो 5 वर्ष का होता है। ठीक, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितना है, तो राज्यसभा में मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति 12,
दो करते हैं लोकसभा में एंग्लो इंडियन, और ये जो 12 है ये विशेष क्षेत्र से आते हैं, मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। और अगर पूछ सकता है यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन घुमाकर दे देता है कि राज्यसभा के अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो राज्यसभा के अधिकतम संख्या 250 हो सकता है, लेकिन फिलहाल राज्यसभा के अधिकतम संख्या कितना है तो 245 है अभी राज्यसभा के सदस्य। अब आइए लोकसभा पर, जो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राज्यसभा में भी राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है, और लोकसभा का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है तो 552 हो सकता है, अभी फिलहाल कितना है तो 545 है, जिसमें दो एंग्लो इंडियन और 543 प्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष है, जो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था, ठीक। तो वो पूछ रहा है कि इसका गठन का जो समिति का गठन किया गया था कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था, और जो पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत किया गया था वो पंचायती राज व्यवस्था का ग्राम पंचायत का वो नागौर जिले राजस्थान से शुरुआत किया गया था। और ग्राम पंचायत के बारे में आर्टिकल 40 में आप देखिएगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णन है, जिसे हम लोग डीपीएसपी भी बोलते हैं। वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो जो वित्त आयोग का संबंध है यहाँ पर देखिए उसका संबंध है 280 अनुच्छेद के तहत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 का बी हो जाएगा। अगर पूछ सकता है कि वित्त आयोग के जो नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग के जो ये करते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलिया होती है, तो जो राष्ट्रीय ध्वज में तिलिया होती है वो कितनी होती है ये पूछ रहा है, तो ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 24 तिलिया होती है। कितनी तिलिया होती है, 24 तिलिया होती है, और वो जो सारनाथ है ना वहाँ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, देखिएगा तो, ठीक। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति, तो भारत तो पहले स्वतंत्र हुआ कब, तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, और उसके बाद ही ना औद्योगिक नीति लागू किया गया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर सी हो जाएगा, उसके आज़ादी के बाद 1948 में औद्योगिक नीति नहीं लागू किया गया। मोडवेट संबंधित है, अभी जीएसटी के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, इससे क्वेश्चन आ जा सकता है कि मोडवेट किससे संबंधित है, तो जो मोडवेट है ना वो संबंधित है उत्पाद शुल्क से, उत्पाद शुल्क जो कि अभी हम लोग जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसका इंक्लूडिंग हो गया है जीएसटी में, गुड एंड सर्विस टैक्स में हो गया है, ठीक। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति थी, जो कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, कर जो संरचना संबंधित सुधारों के लिए समिति बनाई गई थी वो चिलैया समिति थी, कौन थी, तो चिलैया समिति थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, एसआई के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 के भारत में योजना आयोग का गठन वर्ष है, जो भारत में योजना आयोग का गठन वर्ष किया गया था कब गठन किया गया था, तो ये 1950 में किया गया था, योजना ये पूछ रहा है, आयोग का गठन वर्ष है, ठीक ठीक ना, ये भी ध्यान में रखिएगा, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1950। इंद्रधनुष की 7 रंगों के बीच का रंग है, जो इंद्रधनुष के 7 रंग है उसमें के बीच का रंग कौन सा है, तो इसमें से आप लगा सकते हैं बीच का रंग कौन सा होता है, तो 47 का आंसर लगाइएगा, हरा होता है, बैगनी हा पिनाला, ऐसे आप याद कर सकते हैं, बैगनी शुरू में आता है, लाल अंतिम में आता है, ठीक। कोबाल्ट 60 संबंधित है, जो कोबाल्ट 60 संबंधित है किससे संबंधित है कोबाल्ट 60, तो ये अल्फा रे से संबंधित है, किससे है, तो अल्फा रे से संबंधित है, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, आप 48 का आंसर लगा सकते हैं आसानी से, ए लगा सकते हैं, ठीक। कोबाल्ट एक पूछता है, ये भी याद रखिए, कोबाल्ट एक पूछता है कि कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो B12 में भी कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा, मुझे याद आया ये क्वेश्चन आ चुका है तो आ सकता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं, 4 डिग्री पर, कितना होता है, 4 डिग्री पर पानी का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी को बोला जाता है, ठीक, चांदी को। और सबसे आघात वर्धनीय कौन है, तो देखिए सोना को अगर मात्र 10 ग्राम सोना को अगर पीटा जाए ना, तो उससे 2 किलोमीटर पतला तार निकाला जा सकता है, 2 किलोमीटर समझ लीजिए 10 ग्राम सोना से मात्र, तो ये बहुत ही आघात वर्धनीय है सोना, ठीक। और यहाँ चांदी जो है वो सबसे अच्छा चालक बोला जाता है उष्मा का। ये रहा आपका 50 क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर मेरे से एक दो क्वेश्चन का अगर जल्दीबाजी में आंसर गलत भी हो जाएगा तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में सही कर लीजिएगा, ठीक, अगर क्योंकि देखिए मैं भी इंसान हूँ, गलत हर लोगों से हो सकता है, तो मेरे से अगर गलती हो गया होगा तो कमेंट बॉक्स में सही कर लीजिएगा, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली ले आऊँ ऐसा मॉक टेस्ट और डेली आप लोगों को कराऊं जैसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्टडी मूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।